नमस्कार, गाजीपुर की टॉप 5 खबरों की बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के सुल्तानपुर गंगा घाट पर सोमवार की सुबह स्नान करने के दौरान 2 युवक डूब गए, जबकि 3 किसी तरह से बाहर निकले। बता दें कि ककरहिया गांव निवासी रोहित यादव और अक्षय लाल यादव अपने अन्य 3 साथियों के साथ सुल्तानपुर गंगा घाट पर सावन के पहले दिन गंगा स्नान करने के लिए गए थे। नहाते समय सभी गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। किसी तरह से 3 साथी तो सकुशल बाहर निकल गए, लेकिन रोहित और अक्षय लाल डूबने लगे। घटना की जानकारी होने पर आसपास मौजूद लोग भी दौड़कर मौके पर पहुंचे। लोगों की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। गोताखोरों के माध्यम से युवकों की तलाश शुरू करा दी गई है। इस संबंध में उप निरीक्षक रंजीत कुमार ने बताया कि युवकों की तलाश जारी है। दोपहर 2:30 बजे तक युवकों का पता नहीं चल पाया है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बसे गाजीपुर के हरिहरपुर हाला खुरपी गांव में 1 अगस्त से प्रभु की रसोई की शुरुआत होने वाली है। इस रसोई में आने वाले हर किसी को निःशुल्क भोजन उपलब्ध होगा। इसकी शुरुआत करने वाले जिले के समाज सेवी सिद्धार्थ सेवार्थ ने बताया कि यह रसोई किसी सरकारी सहायता या किसी संस्था की सहायता से नहीं संचालित की जा रही, बल्कि यह तमाम जिलों में रहने वाले उन लोगों द्वारा संचालित की जा रही है जिन्होंने इस रसोई के लिए अन्नदान किया है। इस रसोई में भोजन करने वाले हर इंसान को प्रभु कहा जाएगा और उसके अतिथि सत्कार को पूजा तथा सभी के अन्नदान से बने भोजन को प्रसाद कहा जाएगा। मालूम हो कि इस रसोई के लिए अनाज जुटाने के लिए सिद्धार्थ भारत यात्रा कर अलग अलग जिलों में जाकर वहाँ के लोगों के 1 मुट्ठी अनाज दान में लेने मांगने का कार्य कर चुके हैं। इस दान के लिए उनकी यह यात्रा आगे भी जारी रहेगा। सिद्धार्थ प्रतिदिन सभी से आग्रह कर रहे हैं कि इस महायज्ञ में अधिक से अधिक मात्रा में अनाज का दान करें ताकि यह रसोई हमेशा संचालित होती रहे। सुहावल थाना क्षेत्र के ढड़नी इजरी गांव के बीच नहर के पास सोमवार की सुबह बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने तमंचा से आतंकित करते हुए और मारपीट कर जमनिया कोतवाली क्षेत्र के जीवपुर निवासी बैंक मित्र सतीश कुमार यादव का रुपये से भरा झोला छीन ले गए। घटना की सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र सिंह, CO जमनिया हितेंद्र कृष्ण, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक राजधरी चौरसिया मौके पर पहुंचे। बाद में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित से घटना के संबंध में जानकारी लेते हुए संबंधितों से जल्द घटना का पर्दाफाश करने का निर्देश दिया। SP ने बताया कि ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक से बाइक सवार बदमाशों ने रुपयों से भरा बैग लूट लिया। पीड़ित की तरफ से तहरीर मिली है। मामले की छानबीन करते हुए लुटेरों की तलाश शुरू कर दी गई है। शीघ्र ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने सोमवार को नगर के स्टेशन स्थित अवध होटल में पत्रकार वार्ता की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि योगी राज में पिछड़ों और दलितों पर अत्याचार बढ़ गया है। उन्हें अपने महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि भी नहीं मनाने दी जा रही है। उन्हें अपने महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण भी नहीं करने दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीते रविवार को जिस तरह से तलवल में फूलन देवी जी की शहादत दिवस पर पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रम को पुलिस प्रशासन के बल पर बाधित कराने का काम किया गया वह घोर निंदनीय है। इस कार्यक्रम में मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने पर आक्रोशित व्यक्त करते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन की इस नापाक हरकत से इस जनपद का ही नहीं पूरे प्रदेश का अति पिछड़ा समाज अत्यंत आक्रोशित है। भाजपा सरकार द्वारा लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। कासिमाबाद व मरदह क्षेत्र के ग्रामीणों की करतूत से पूरा जनपद शर्मसार हो रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बीच में 400 की संख्या में लगे MBCB स्पेसियर को खोल ले गए हैं। यही नहीं, यहाँ के लोग जगह जगह लगे रिफ्लेक्टिव टेप को उखाड़ कर फेंक दे रहे हैं तो नट बोल्ट खोलकर मेटल बीम क्रैश बैरियर के स्पेसियर को भी चुरा ले जा रहे हैं। ग्रामीणों की इस करतूत से कार्यदायी संस्था काफ़ी परेशान हो गई है और एक्सप्रेसवे पर पेट्रोलिंग को लेकर संबंधित पुलिस से मांग की है। ग्रामीणों की हरकतों से परेशान कार्यदायी संस्था के अधिकारियों ने अब नट बोल्ट के सहारे रेलिंग को लगाना बंद कर दिया है। अब सभी जगहों पर वेल्डिंग की जा रही है। जहां की रेलिंग ग्रामीण खोल ले गए हैं वहां वेल्डिंग कर नया लगाया जा रहा है। ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।